हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्लाइट की टिकट चीप रेटों में कैसे बुक करा सकते हैं। फ्लाइट्स बुक कराना काफ़ी आसान बात है, बट चीप रेटों में बुक कराना ये हर किसी को नहीं आता होगा। गाइस, एक्चुअल कहानी बताऊं मैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। जो बड़ी बड़ी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आप मेक माई ट्रिप उठा लें, OIBB उठा लें, yatra.com उठा लें, ये क्या करती हैं, जो एक्चुअल प्राइस है एट दी टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें जो रेट होता है वो उसमें हाइप हो जाता है। 500 रुपये किसी में एक्स्ट्रा हो जाएंगे, किसी में 800, किसी में 1000, किसी में डबल रेट भी आ जाते हैं। ये जो है ये फालतू के चार्जेस लगा रही है कंपनी, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ना कोई बेनिफिट होगा आपको फ्लाइट में। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जिससे आप फ्लाइट बुक करेंगे तो जो एक्चुअल प्राइस है एट दी टाइम ऑफ पेमेंट भी वही प्राइस शो होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करेगी वो वेबसाइट। और मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा जो वेबसाइट मैं बताने वाला हूं और जो बड़ी वेबसाइट्स आप जानते हैं। सो गाइस, वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गाइस, अब मैं एक काम करता हूं, आपके सामने एक वेबसाइट खोलता हूं, GoIBIBO, उसमें एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं। GoIBIBO उसमें एक फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं, उसका फेयर चेक करते हैं कितना आ रहा है, और वही फ्लाइट, सेम वही बोर्डिंग, सेम वही टाइमिंग, सेम वही डेट। फिर मैं अपनी वेबसाइट में खोल के आपको उसका रेट चेक कराऊंगा, आप डिफरेंस चेक करिएगा, आपके सामने मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली टू मुंबई एक फ्लाइट जा रही है 15 अगस्त की, एडल्ट एक नॉनस्टॉप फ्लाइट, सर्च किया आपके सामने। सर्च करने के बाद मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, एयर इंडिया का कोई मतलब कोई भी दे सकते हैं, मैं आपको एयर इंडिया का स्पेशल दिखा रहा हूँ। एक फ़्लाइट आ गई पहले नंबर पर जिसका रेट आ रहा है 2476 रुपये, जो 7 बजे चलेगी और 9 बजे पहुँचेगी। आपने रेट चेक कर लिया इसमें, ठीक है, न्यू दिल्ली टू मुंबई 15 अगस्त की इसकी डेट है, 7 बजे चलेगी, 9 बजे पहुँचेगी मुंबई, 2 घंटे 5 मिनट ले रही है और एयर इंडिया की फ़्लाइट है। इसका रेट आप चेक कर लीजिए, ये पहली वाली फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट, अब देखो 2476 था, जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे गया बुकिंग करने के लिए, इसने अपने आप ही 10 रुपये बढ़ा दिए। अभी आप प्रोसीड करेंगे डिटेल्स डाल के, फिर ये 100, 200, 300 रुपये बढ़ा देगा। अब मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ अपनी, ठीक है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। उसके एप्लीकेशन का नाम है स्काई स्कैनर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे, फ्लाइट्स में जाएंगे, न्यू दिल्ली टू मुंबई 15 अगस्त वन वे, सर्च करने के बाद पहले नंबर पे ये फ़्लाइट खुल गई है एयर इंडिया की, 7 बजे जो चलेगी, 9 बजे वहाँ पहुँचेगी। सेम यही फ़्लाइट करके आपको दिखाई थी मैंने GoIBIBO में। अब आप गाइस देख सकते हैं कि इसके अंदर प्राइस क्या आ रहा है, 2142, उसके अंदर कितना आ रहा था 2476, मतलब सीधा सीधा अगर देखें तो 300 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है, 300 रुपये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है इसके अंदर कम है। और दूसरी चीज़ आप सुन लीजिए, उस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है चूज़ ए प्रोवाइडर, इसका मतलब ये है, और ये प्रोवाइडर सर्च कर रहा है 17 प्रोवाइडर्स फाउंड, मतलब कि 17 ऐसी वेबसाइट्स जो है इसने ढूंढ लिया है जो ये टिकट बुक करवा रही है, ठीक है। और उसमें जैसे आप ओपन करेंगे तो ये 17 वेबसाइट्स हैं, इसके अंदर GoIBIBO से लेके ट्रैवल जेनियो से लेके सारी बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स हैं। प्लस अगर आप देखेंगे जैसे ओपन करने के बाद जो कम रेट का होगा वो सबसे पहले शो होगा, माई ट्रिप जिसकी रेटिंग है 4.5 स्टार, ये टिकट ऑफर कर रही है 2142 में। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, किसी भी वेबसाइट से आप बुक करिए, फ़्लाइट तो एक ही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सीट बुक करेंगे, अपने हिसाब से डिटेल डालेंगे, ऐसा तो है नहीं किसी और वेबसाइट से बुक करेंगे तो फ़्लाइट जो अटेंडेंट होगा वो आपको ज़्यादा वो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, मैं आपको एक चीज़, आपको पैसे बताने का तरीका बताया है कि इस वेबसाइट से आप अगर फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको कंपैरिजन मिल जाता है, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी लो प्राइस में, एक्चुअल प्राइस से काफ़ी कम में, जो उसका मेन बेसिक प्राइस है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज ये वेबसाइट जो है वो चार्ज नहीं करती है। सो गाइस, इसी तरह से आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं काफ़ी चीप रेट्स में, ट्राई करके देखना। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, जा चुका हूँ मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था और मैंने ये एप्लीकेशन से ट्राई किया था, मुझे भी किसी ने बताया था। सो गाइस, वर्थ इट है काफ़ी, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।